केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार अब लगभग तय है, मगर यूपी के नतीजों की टीस बीजेपी को साफ साफ चुभती नजर आ रही है। लेकिन उधर अयोध्या में अपनी जीत से गदगद हैं सपा नेता, और जीत की ये खुशी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगी होल्डिंग से साफ साफ झलकती भी नजर आ रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में, आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। सबके श्री अखिलेश, अयोध्या में अवधेश, राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगी ये होल्डिंग सबका ध्यान खींच रही है। बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी ने शनिवार को, यानी कि जो एनडीए गवर्नमेंट का शपथ ग्रहण समारोह है रविवार को, उससे एक दिन पहले सभी सांसदों की बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित 37 सांसद शामिल होंगे। सपा मुखिया अखिलेश की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक से पहले सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ नारे लगी एक बड़ी सी होल्डिंग नजर आई। इसमें लिखा हुआ था, सबके श्री अखिलेश, अयोध्या में अवधेश। ये नारा और इसके साथ बड़ा सा होल्डिंग वाला एक पोस्टर। बता दें आपको कि अवधेश प्रसाद ही समाजवादी पार्टी के वो सांसद हैं जिन्होंने बीजेपी के लल्लू सिंह को हराकर अयोध्या में समाजवादी पार्टी के झंडे गाड़ दिए। सपा दफ्तर के आगे ये होल्डिंग अमेठी से सपा नेता जय सिंह प्रताप यादव की ओर से लगवाई गई बताई जा रही है। उनका नाम और तस्वीर भी इस होल्डिंग में है। इसमें अखिलेश यादव को सपा नेता बताया गया है, तो वहीं अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मात देने वाले सपा के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद की जीत का जिक्र किया गया है। अब सपा दफ्तर के बाहर लगी ये होल्डिंग सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है, और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इसकी चर्चा भी है। गाहे बगाहे इसको शेयर किया जा रहा है और लग रहा है जैसे ये फोटो ट्रेंडिंग में भी आ रही है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश से इस बार समाजवादी पार्टी ने अब तक का अपना सबसे बड़ा सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। सपा ने 37 लोकसभा सीटें जीतकर न सिर्फ बीजेपी को पछाड़ दिया है, बल्कि वो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 240 सीटों के साथ बीजेपी पहले नंबर पर है, वहीं 99 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर है, तो 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केंद्र के चुनाव में सपा इतना बढ़िया प्रदर्शन करेगी। अब यूपी में बीजेपी की हार, सपा की कामयाबी, इसमें अयोध्या की जगह सबसे ऊपर है। सपा की जीत को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या बीजेपी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला रही। यहां सिर्फ राम मंदिर नहीं, बल्कि एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, हाईवे, विकास बहुत तेजी के साथ हुआ अयोध्या में। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की हार होगी, इसका अंदाजा दूर दूर तक किसी को नहीं था। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से जातीय समीकरण बैठाए थे, दलित चेहरे को मैदान में उतारा था, उसके आगे शायद बीजेपी की रणनीति कहीं ना कहीं फेल हो गई और ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। अयोध्या में बीजेपी की हार सिर्फ यूपी नहीं, बल्कि देश में भी इस वक्त चर्चा बटोर रही है, और इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं, और उनका ये उत्साह ही इस होल्डिंग के रूप में नजर आ रहा है जो फिलहाल काफी ज्यादा वायरल हो रही है। एनबीटी ऑनलाइन की हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर हलचल जानने के लिए आप देखते रहिए एनबीटी।